थाना गोला पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल, 1 लोहे का राड, 1 मजबूत सूजा, 1 हेक्सा ब्रेड, आधा किलोग्राम सिक्का व 1,060 रुपये नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में गोला थाना क्षेत्र के निवासी चंदन राय पुत्र राम कुमार राय निवासी सहदौली, आदित्य नारायण उर्फ निक्की तिवारी पुत्र परमात्मा तिवारी निवासी बिचुलिया डांड, आशुतोष यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी अहिरौली, निकेश शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला पुत्र अजीत शुक्ला व असलम खां पुत्र नासिर अहमद निवासी कोहरी बुजुर्ग शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, गोला में 8 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास इनमें से एक 25,000 का इनामिया चंदन राय जो पहले से ही गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा है। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसमें एक मैकेनिक भी सम्मिलित है जिसके माध्यम से ये लोग चोरी की मोटरसाइकिल बेचते थे और इनमें इनके साथियों में अन्य 3 अभियुक्त फरार हैं जिनके संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है। इनको गिरफ्तार कर संबंधित विधिक प्रक्रिया के तहत इनको जेल भेजा जा रहा है एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। गत रात में गोला पुलिस द्वारा कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिनके कब्जे से कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें 2 बुलेट मोटरसाइकिल थी, कुछ चोरी करने के उपकरण और कुछ नशीला पदार्थ बरामद हुआ है।